Okay, this is illustration number one for the Newton's law of motion. कह रखा है कि ये एक वेज है, ये वेज रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा. यहाँ पे एक और वेज पड़ा है, इसका मास कैपिटल है. मैं उसके ऊपर एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, इसका मास स्मॉल एम है. कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल एम है ये फ्री फॉल में है. फ्री फॉल में है मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ कितना है सर? जी. तो ये कितना है सर? थीटा. तो इस तरफ एक्सेलरेशन कितना हुआ इस वेज का? जी कॉस थीटा. और इस तरफ एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी साइन थीटा. परफेक्ट. तो ये जो वेज है कैपिटल एम का, ये इधर जा रहा है, अलोंग द इंक्लाइन जा रहा है जी साइन थीटा से. परफेक्ट. अब ये जो बंदा है वो इस वेज के ऊपर पड़ा है, ये जो बंदा है वो इस वेज के ऊपर पड़ा है, मतलब ये जो बंदा है वो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम पे पड़ा है. मतलब ये जो बंदा है वो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे पड़ा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? सूडो. सूडो किस तरफ लगता है? रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट साइड में. और होता कितना है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. तो इतना क्या लग गया सर? सूडो. अच्छा, सूडो लगा क्यों? सूडो हमेशा कब लगता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ा हो और वो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ा हो और दूसरा ऑब्जेक्ट किस में हो सर? एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में. आप मेरा वीडियो देखिए सूडो के ऊपर. ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन हमेशा क्या पड़ती है? नॉर्मल. दिस इज व्हाट्स अ नॉर्मल. ठीक है, अब मैं बंदे का पीटी बनाऊंगा. दिस इज व्हाट एन, दिस इज व्हाट एम जी साइन थीटा. नीचे क्या लगा? एम जी. ठीक है सर, ये थीटा है सर. ये क्या है? थीटा. तो ये भी क्या होगा? थीटा. तो एम जी साइन थीटा का इधर कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा का इधर कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा का साइन थीटा. नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? एन प्लस एम जी, एन प्लस एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा. कितना हो गया सर? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम जी. नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी कॉमन आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज एम जी कॉस स्क्वायर थीटा. तो इतनी रीडिंग आएगी न्यूटन में, इतनी रीडिंग आएगी न्यूटन में. आपको किलोग्राम फोर्स चाहिए तो जी से डिवाइड कर दीजिए.